हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं वापस। हमने दोनों ही प्रोग्राम अटेंड कर लिए हैं, तो अब हम हो गए हैं अपने मायके की तरफ रवाना। हम अपने भाई भाभी के साथ जा रहे हैं अपने मायके, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ और मेरा बचपन बीता गाइस। तो अब जाएंगे हम बड़े भैया के घर। छोटा भाई तो अभी आगे आगे ये गाड़ी में जा रहा है, ये आगे हमारा गांव। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ब्लॉक में, जहाँ तो अब हम 3-4 दिन रुके थे यहाँ पे। ये देखिए, ये सराह हमारी, तो ये सराह है, ये रास्ता हमारा और ये सनेड़ का रास्ता है। तो अब जाएंगे हम, आगे आएंगे बाबा परथरी जी का मंदिर आएगा, ये सामने बाबा परथरी जी का मंदिर आ गया है और आगे आ गया है पीर बाबा जी। तो मैंने ये फास्ट इस करके वीडियो की है क्योंकि ये रास्ता आप लोगों को मैंने पहले ब्लॉक में दिखा दिया है। तो ये पीर बाबा जी आ गए हैं, तो अब हम नीचे की ओर जा रहे हैं। तो हम अपने आज मायके जाएंगे, मतलब अपने मम्मी पापा के घर में, अपने भाई भाभी के घर में जाए हैं, क्योंकि भाई भाभी तो हैं अब, मम्मी पापा तो है नहीं है गाइस। तो भाई भाभी ही हमारा मायका है, तो हम जाएंगे आज मायके। तो ये अभी तक तो हमारे गांव का रास्ता है सारा। तो ये आप लोगों को मैंने सीधा दिखाया था, ये देखिए दुकानें आ गई। यहाँ इस रास्ते से हम आए नहीं थे क्योंकि दूर पड़ता था, हम शॉर्टकट गए थे। आपको दिखाया था हम कैसे सीधी पहाड़ी ऊपर चढ़े थे, तो हमें सांस भी नहीं आ रहा था, तो हम इस रास्ते से नहीं गए थे, हम भी शॉर्टकट मारा हुआ था। तो यहाँ नीचे हम आ गए अब दुकानों के पास। तो यहाँ ये दुकानें तो हमने आप लोगों को दिखाई थी। तो ये मुझे, ये मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है। यहाँ पे हम दुकानों पे आए थे सामान लेने, तो आपको ब्लॉक में देखा होगा। तो आगे ये सत्संग घर, तो आगे हम नीचे दुकानों पे, एक आगे स्कूल और दुकान। हम इस साइड नहीं आए थे गाइस पैदल, क्योंकि ये काफ़ी दूर था और दीदी को चलने में दिक्कत हो रही थी। तो अभी इधर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये हमारे गाँव की एंट्री, मतलब एंट्री स्कूल से ही होती है यहाँ से। यहाँ ये हमारा स्कूल है, मतलब हमारे पति देव का ही स्कूल है, वो ही इधर पढ़े होंगे बचपन में। ये टेंथ या प्लस टू तक शायद स्कूल है, मुझे इतना पता नहीं इसके बारे में। तो बच्चे तो हमारे इधर ही पढ़े हैं आके चंडीगढ़, तो हम गांव में नहीं बच्चे पढ़े, तो हमें नहीं पता। तो ये देखिए गाइस, ये पानी हमेशा 12 महीने 24 घंटे ऐसे ही पानी ये बहता है, ये पहाड़ों से आता है शुद्ध, बिल्कुल ठंडा पानी। तो गाइस देखिए, ये हमारे खेत है, मतलब गांव में सभी लोगों के खेत है, और ये मेन गेट है, ये हमारे गांव का इंटर मेन गेट है। आपने कई ब्लॉग में देखा होगा, लोगों के ब्लॉगर लोग इधर आके ब्लॉग बनाते हैं, काफ़ी मशहूर है हमारा गांव कुकानेट हुशियारपुर। तो काफ़ी यूट्यूबर आके इधर ब्लॉग बना चुके हैं, बनाते हैं। हमारी तो खुशकिस्मती है कि हम लोग यहाँ के वासी हैं और इस गांव में हम शादी करके आए हैं और इस गांव में हम रह रहे हैं। तो आई एम सो लक्की, आई होप सो गाइस। मैंने आप लोगों को अपने गांव का काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू दिखाए हैं, तो आई होप आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगे होंगे। तो मैं आगे भी कोशिश करूंगी कि बढ़िया बढ़िया अच्छे ब्लॉग बना सकूं। तो ये रास्ता मतलब जा रहा है हमारे ये मायके की तरफ को जा रहा, लेकिन ये इतना पहाड़ी इलाका, इतना लंबा, मतलब है तो 12 किलोमीटर सारा, लेकिन इतना पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ पे बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सिंगल रोड है और सिंगल रोड के कारण ही ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है। बस में भी हो तब भी ध्यान चलाना पड़ता है, एकदम से आगे से गाड़ियाँ भी आ जाती हैं। तो गाइस, मैं अपनी वॉइस ओवर डाल रही हूँ क्योंकि मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है, रास्ता बहुत लंबा था और अच्छी रिकॉर्डिंग थी। तो आगे गाइस कुछ ऐसी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊँगी जो आपने परियों के टाइम पे ही सुनी होगी, कि कहते हैं कि हमारे यहाँ एक परियों का चो है जो आगे आने वाला है, वो मैं आपको बोल के भी दिखाऊंगी वहाँ पे। तो परियों का चो था, तो कहते थे कि यहाँ पे, जैसे हमारे दादा परदादा ससुर थे जो, तो वो बताते थे कि यहाँ पे परियाँ नहाने आती थी सुबह 4 बजे। अब हम लोगों को तो इतना ज़्यादा नहीं पता है, जो कहानियाँ सुनी हैं वही आपको बता रहे हैं। तो उस टाइम परियाँ नहाने आती थी सुबह 4 बजे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी वो झरना टाइप पानी बहता है, तो झरना तो मैं आप लोगों को फिर कभी बता दिखाऊंगी जब फ्री होके आऊंगी। तो अभी मैं वो पानी बहता हुआ दिखाऊंगी जो परियों के चो का पानी बहता हुआ आता है। तो कहते हैं कि वहाँ पे परियाँ नहाने आती थी सुबह 4 बजे सतयुग में शायद।
तो आई होप वो भी आप लोग आगे देखोगे। तो उसमें तो मैंने अपनी आवाज़ दी हुई है, तो थोड़ा सा मैंने बाकी मैंने सारे ब्लॉग को फास्ट किया है क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता था, तो मैंने फास्ट कर दिया है वीडियो को। तो आगे गाइस वो परियों का चो आने वाला है, तो आप लोग देखना परियों का चो जहाँ पे परियां नहाती थी। इतने देखो पहाड़ी इलाका हमारा इतना बढ़िया है ना कि हम बता नहीं सकते कि यहाँ पे आके हमें कितनी खुशी मिलती है गाइस। पर क्या करें, कमाने के लिए मजबूरियां हैं, जो शहरों में जाके बैठना पड़ रहा है तो इंसान की बहुत मजबूरियाँ होती हैं, कुछ बच्चों के पीछे कुछ कमाने के पीछे। तो अपना गांव तो फिर छोड़ा तो नहीं जाता, लेकिन याद बहुत आता है। और जब से हम लोग गांव से वापस आए हैं तब से वहीं पे ध्यान है हमारा। तो अभी ध्यान तो पीछे ही है क्योंकि अभी गांव छोड़ रहे हैं, तो अभी अपने गांव में हैं हम लोग, तो रास्ता इतना फास्ट और लंबा है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता रही थी कि आगे मैंने मतलब फास्ट करके नहीं, वो स्लो मोशन में ही बताया है कि परियों का चो आने वाला है। तो आप लोग देखना परियों का चो जहाँ पे परियां नहाया करती थी कभी सतयुग में। देखिए कितना अच्छा व्यू है हमारे गांव का, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, दीदी को भी बहुत अच्छा लगता है। हम जहाँ रुकते हैं रहते हैं और अपनी फैमिली और अपने गांव के सारे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं सारे, बड़े प्यार से रहते हैं मिलके हमारे साथ। तो चाचियाँ चाची की बहुएँ बहुत अच्छी हैं सारी, काफ़ी हम लोग मिलके रहते हैं तो एक दूसरे की बाद में याद भी बहुत आती है क्योंकि मजबूरी होती है इंसान की दूर जाना, अब क्या कर सकता है कोई। तो देखिए गाइस कितना अच्छा व्यू है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा ये व्यू। तो गाइज़ आप लोगों को पता है ये मतलब ये अगर हम रास्ते में रात को कभी हमें रात हो जाए आने में कहीं से, तो इस रास्ते में आप मानोगे नहीं ऐसे ऐसे जानवर आपको देखने को मिलेंगे ना, कि जो आप जू कहीं जू में जाएंगे, लायन टाइगर और एलिफेंट और हिरन, मतलब सारे ऐसे जानवर आपको रोड पे ही दिख जाएंगे इधर। तो गाइज़ देखिए ये रात में थोड़ा निकलना ना, रात में थोड़ा इधर इस इलाके में रात में निकलना ना रिस्की हो सकता है, इस करके ना मतलब थोड़ा दिन में ही सफ़र करें तो बढ़िया है। रात में जानवर बिल्कुल रोड पार करते हैं और कई बार तो रोड पे ही होते हैं, तो आप हो सके तो दिन में ही इधर आके सफ़र करें क्योंकि ये ना ख़तरनाक काफ़ी एरिया है। काफ़ी यूट्यूबर आए हैं यहाँ पे, अपने यूट्यूब पे काफ़ी ने ब्लॉग डाले हुए हैं हमारे गांव के, तो लेकिन वो दिन में ही आए हैं, अच्छी बात है दिन में आए हैं, लेकिन रात में थोड़ा ख़तरा हो सकता है क्योंकि जानवर ऐसे ऐसे जानवर रोड पे आ जाते हैं, बड़े बड़े अजगर सांप वगैरह सब कुछ हैं, तो वो कई बार ऐसे रोड पर अचानक से सामने से आ जाए तो कहीं आप लोगों को दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना हो इस करके। तो गाइस देखना अब आ रहा है वो परियों का चो जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रही थी, तो अभी आगे जाके परियों का चो आएगा जहाँ पे परियां नहाती थी सुबह 4 बजे। अभी तो मैं ऊपर से दिखा रही हूँ व्यू आपको, अभी नीचे जाके दिखाऊंगी, गाड़ी में से दिखाऊंगी लेकिन नीचे दिखाऊंगी, वो पानी से 24 घंटे 12 महीने ऐसे ही बहता रहता है। और तो गाइस ये है हमारे गाँव का, इसका इस जगह का नाम है परियों का चो। तो यहाँ पे परियाँ नहाने आती थी कभी कभी आती थी नहाने, पता नहीं सतयुग में ही आती होंगी, लेकिन यहाँ पे हमेशा पानी ऐसे ही बहता रहता है, इसे कहते हैं परियों का चो। और ये हमारे बिल्कुल ही मतलब कहते थे कि यहाँ परियाँ आती हैं कभी नहाने, हमने नहीं देखी, देखेंगे तो आपको भी दिखाएंगे ज़रूर। रात को आती थी नहाने सुबह 4 बजे, मुझे बताया 4 बजे।
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।